I welcome you all in the next video tutorial of MCQ series Herbal Drug Technology. So we have completed up to question number 20 in the part 1 and part 2 video. So in this we are going to start from question number 21 up to 30 questions. So let's start. So natural law of healing, that is the simila syllabus curantur. Ye siddhant, iska arth hai likes are cured by likes. Ye kiske dwara diya gaya? हमें ये भी पता होना चाहिए और किस सिस्टम में हम ये यूज करते हैं. ऑप्शन ए होम्योपैथी, ऑप्शन बी आयुर्वेदा, ऑप्शन सी सिद्धा. तो यस, आई होप यू ऑल नो द आंसर. दिस सिस्टम वाज, दिस प्रिंसिपल वाज इन्वॉल्वड इन द होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन. दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योपैथी इज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन introduced by, means ye pooch raha hai kya, who was regarded as the father of homeopathy, homeopathy ki janak kisko kaha gaya hai. Yes, I hope you all know the answer. That directly go to the answer, Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann. So Samuel Hahnemann was regarded as the father of homeopathy. Next question, Dr. Samuel Hahnemann was German physician, Austrian or the Korean? Yes, he was a German physician, German physicist, very very important. और आई होप यू नो किस तरह से उन्होंने, ही कंज्यूम्ड द डिकॉक्शन ऑफ द सिंकोना और आफ्टर कंजप्शन ऑफ दिस डिकॉक्शन ही हैज सिम्टम्स रिलेटेड टू द मलेरिया. जो ड्रग, जो प्लांट मटेरियल सपोज करिए उस बीमारी को ठीक कर सकता है. हमें पता है कि सिंकोना के अंदर क्या है, क्विनीन. क्विनीन इज एंटी मलेरियल ड्रग, लेकिन अगर कोई उसको हेल्दी पर्सन कंज्यूम करे तो मलेरिया लाइक सिम्टम्स माइट अपियर. इसी तरह का सिद्धांत होम्योपैथी सिस्टम में था. उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को याद आ चुका होगा. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस पॉइंट इन अवर क्लासरूम. द नेक्स्ट, इन होम्योपैथी ट्रीटमेंट द प्रूवर मींस, प्रूवर का अर्थ क्या है? यस, हेल्दी पर्सन. प्रूवर मींस हेल्दी एंड देयर इज अनदर टर्म, प्रूविंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, यस इन होम्योपैथी द टर्म प्रूविंग मींस, टेल मी. ऑप्शन ए सिम्टम्स, ऑप्शन बी डिजीज, ऑप्शन सी पर्सन. यस, राइट आंसर इज सिम्टम्स. दिस मींस प्रूविंग मींस द सिम्टम्स, दैट इज फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस दैट आर कॉज्ड बाय द वेरियस पोटेंशियल्स ऑफ मेडिसिन इन प्रूवर. प्रूवर में जो सिम्टम्स अपीयर होंगे उसे हम क्या कहेंगे? प्रूविंग. एंड प्रूवर क्या है? यस, इट इज हेल्दी पर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन होम्योपैथी सिस्टम टॉक्सिक सब्सटेंसेज आर नोन एज व्हाट? प्लीज टेल मी. यस, मियाज्म्स. टॉक्सिक सब्सटेंसेज are also cause, also responsible for causing gene mutations. We have completed this point also. Next, Triguna. Ayurved में हमने एक सिद्धांत पढ़ा, त्रिदोषा, वात, पित्त और कफा. उसी तरह से त्रिगुणा का सिद्धांत किस सिस्टम में है? सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि भगवान शिव द्वारा सबसे पहले माँ पार्वती को दिया गया, उनके द्वारा नंदी जी को दिया गया, और वो लोग जिन्होंने सिस्टम को अडोप्ट किया वो बाद में सिद्धर्ष कहलाए. ये हमने डिटेल में पढ़ा है. और द्रविड़ियन कल्चर में ये धीरे धीरे स्प्रेड हुआ, और इसी तरह की हम इसमें टर्मिनोलॉजी हमें देखने को भी मिलती है जो कि साउथ सिस्टम से इंस्पायर्ड है. नेक्स्ट इज दी, यस नेक्स्ट इज दी अवलेहा. वी हैव कंप्लीटेड डिफरेंट फॉर्मुलेशन. पिछले क्लास में हमने देखा भस्मा जैसे क्वेश्चन आया कि एशियंट इंडियन नेडो मेडिसिन. अवलेहा क्या है? सेमीसॉलिड है, लिक्विड और सॉलिड? यस, इट इज अ सेमीसॉलिड प्रिपरेशन इन विच वी आर ऑल्सो यूजिंग घृता एज वेल एज जैगरी. हम घी भी यूज करते हैं और शुगर भी यूज करते हैं. अवलेहा में सबसे कॉमन अवलेहा का एग्जाम्पल क्या है? च्यवनप्राश इज अवलेहा. वो क्या है? सेमीसॉलिड प्रिपरेशन ही तो है. नेक्स्ट क्वेश्चन 29, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए, आपको ICH गाइडलाइंस पूरी की पूरी याद करनी है. तो ICH गाइडलाइंस में सबसे पहले देयर डिफरेंट कैटेगरीज, दैट इज QSEM. तो व्हाट इज दिस QSEM गाइडलाइंस, किसमें दी गई है? ICH में. लेट सी द वेबसाइट ऑफ ICH नाउ. दिस इज द वेबसाइट ऑफ ICH. ओके, एंड ओवर हियर, यस QSEM इज रिटन. Q स्टैंड फॉर क्वालिटी गाइडलाइंस, S फॉर सेफ्टी, E फॉर एफिकेसी, एंड यस M स्टैंड फॉर द मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस. ICH का गठन कब हुआ? 1990 is the established date of ICH. It is the Council for Harmonization of the Technical Requirements of the Pharmaceuticals for Human Use. अब हुआ क्या? एक कॉन्फ्रेंस हुई 1990 में WHO में, जिसमें कि यूरोप, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ गाइडलाइंस बनाई जो कि फार्मास्यूटिकल्स के यूज से रिलेटेड थी, जिसको बाद में ICH के नाम से हम लोग जानते हैं. तो जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो इसमें विजिट करें, देन यू विल गो इन द वर्क प्रोडक्ट्स. ओवर हेयर इट इज गिवन क्वालिटी गाइडलाइंस. अब क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं एग्जाम्स में, ये आपको ध्यान रखना है ICH पढ़ते वक्त. ओके,
सो ओवर हेयर यू विल गो वेबसाइट, आप वेबसाइट पे जाएं, सबसे पहला काम आपने ये करना है, देन यू विल गो टू वर्क प्रोडक्ट्स, वर्क प्रोडक्ट्स पे जाके आपको सबसे पहले क्यू मीन्स क्वालिटी, एस सेफ्टी, ई एफिकेसी, एम मल्टी डिसिप्लिनरी पे जाना है। सबसे पहले सपोज आपने क्वालिटी गाइडलाइंस पे गए, तो हमने क्वालिटी गाइडलाइंस ओपन ऑलरेडी कर रखी है, यू विल सी क्यू वन ए, क्यू टू, क्यू थ्री ए, एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह आते हैं, क्यू एट रिलेट्स टू वॉट फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, क्यू नाइन मीन्स वॉट क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। अब इसके अंदर भी सब गाइडलाइंस हैं, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल कि हम ये सब याद कर सके, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेना है इन कोडिंग का, मीन्स क्यू फोर ए और क्यू फोर बी किससे रिलेटेड है, फार्माकोपिया से। तो इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछते हैं जीपैट में। उसी तरह से इफ वी गो टुवर्ड्स द सेफ्टी गाइडलाइंस, अगर हम क्यू के बाद एस की तरफ जाएं, ओवर हेयर एस मीन्स एस वन ए, एस टू, एस फोर, एस फाइव, एस सिक्स। अब सपोज क्वेश्चन आ जाए एस सिक्स रिलेट्स टू वॉट इन द ICH, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ओके, इन द सेम वे एस 12 किससे रिलेट करता है, नॉन क्लिनिकल बायोडिस्ट्रीब्यूशन स्टडीज फॉर द जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स से। इस तरह से आपको एक बार इस वेबसाइट पे जाके ये गाइडलाइंस को ओवरव्यू लेना है, अपने नोट्स बनाने हैं। देन ई की अगर बात करें एफिकेसी गाइडलाइंस में, ई वन, ई टू, ई थ्री, ई सिक्स क्या है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, ये सारी की सारी एक बार आपको ओवरव्यू लेना है। अगेन लास्ट इज द मल्टी डिसिप्लिनरी भी आपको देखनी है, एम कोडिंग इज देयर, एम वन, एम टू, एम थ्री, अप टू एम थर्टीन। एम थर्टीन क्या है, बायो इक्विवेलेंस फॉर इमीडिएट रिलीज सॉलिड ओरल डोजेस फॉर्म। सो आई होप दिस इज क्लियर, ये आपको थोड़ा बहुत पता लगा होगा। तो यस वी हैव कंप्लीटेड लास्ट क्वेश्चन, ये आपको खुद करना है, इस इज होमवर्क फॉर यू। सो टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICH। अब कई जगह हो सकता है आपको कॉन्फ्रेंस देखने को मिल जाए और कई जगह काउंसिल भी लिखा है, आपको वेबसाइट के हिसाब से अपना काम करना है। आपको हिंट मैंने दे दिया है, सो प्लीज टेल मी द आंसर ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स। Thank you very much for your patience and listening. See you in the next lecture. And in the last, I also apologize ki agar disturbance kuch aa rahi hai videos banate waqt, to there is some problem in my laptop. So please pardon me. Thank you very much.